देशर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति मनमोहन सामल महोदय केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान महोदय जनजाति व्यापार मंत्री श्री जुएल ओरा महोदय केन्द्र रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव महोदय राष्ट्रीय उपसभापति बैजयंत पंडा महोदय उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंहदेव महोदय उपमुख्यमंत्री प्रभाती पैडा महोदया भुवनेश्वर सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा महाशय एकाम्र भुवनेश्वर विधायक श्री बाबू सिंह महोदय प्रधानमंत्री जी प्रभु जगन्नाथ जी की धरती में आपका स्वागत है। मैं ओडिशा के 4.25 करोड़ लोगों की तरफ से आपको इस पावन भूमि पे आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। पूरा ओडिशा के लोग जानते हैं कि आपकी दिल में हम सब के लिए कितना प्यार है। ओडिशा के एक साधारण आदिवासी परिवार की बेटी को देश की महामहिम बनाया है। ओडिशा में हमारा शपथ ग्रहण के दिन आप यहाँ आकर हमें आशीर्वाद दिए थे, फिर सुभद्रा योजना का शुभारंभ करने के लिए आप अपने जन्मदिन पर भी आकर हमारा माताओं और बहनों को आशीर्वाद दिए थे, और आज ये तीसरी बार आप हमारा साथ है। पूरा राज्य आपका ये प्यार के लिए आभारी रहेगा। बंधुगण, आज ओडिशा पर एक ऐतिहासिक दिन, आम पाखे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसी पहुँची, नुआ सरकार गठन दिन ठारू माननीय प्रधानमंत्री यह हूँ तृतीय थर पर ओडिशा गस्त। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में देश आज सुदृढ़ होती, विश्वर शक्तिशाली देश मानक भारत आज परिगणित हो। बाह्य सुरक्षा हूँ बा आभ्यंतरण सुरक्षा हो, देश आज पूर्व अपेक्षा खूब सुरक्षित। देशर शत्रु मानक आज भय सृष्टि। बंधुगण, भुवनेश्वर प्रथम थर पर डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन अनुष्ठित होड़शा को यही कार्यक्रम आयोजन करने प्रथम थर पर सुजोग मिली, आई मान्यवर प्रधानमंत्री प्रति कृतज्ञता ज्ञापन प्रकाश करूँ। प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में आम देशर पुलिस बाहन आहरी दक्षता सहित कम कर, देशर लोक सुरक्षा देवार आहरी अधिक सफल हो संदेह ना। प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद रे आम सरकार दक्षतार सह ओडिशावासी सेवा कर चली। आम सरकार आसवा मात्र 5 मास समय किंतु यही 5 मास अत्यंत घटनाबहुल अच्छी। माननीय प्रधानमंत्री जी गुरुमंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एवं सबका प्रदान, चाषी आर्थिक विकास पर धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका प्रदान आदि अनेक जुगांतकारी पदक्षेप निया जा। शिल्प क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश पर जोरदार उद्यम आरंभ हो। उत्कर्ष ओडिशा माध्यम देशर दिल्ली मुंबई भाई अनेक स्तर में रोड शो कर ओडिशार पूंजी निवेश शिल्प संस्था मानक आमंत्रण कर। वर्तमान सुधा 180,000 कोटी टंकार पूंजी निवेश अनुमोदन कर, 1,10,000 निजुक्तिर संभावना सृष्टि करा जाई। रेल और रोड सपाई रेल एवं रोड पाई 40,000 कोटी टंकार केन्द्र सहायतारे ओडिशार भित्तिभूमिर विकास सहित शिल्पर विकास को त्वरान्वित करा जाउछ। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 जनवरी 28 एवं 29 तारिख में अनुष्ठित हो। इतिरे सारा देश विश्वर अनेक शिल्पपति जोग देवार कार्यक्रम रही, से ही समय ओडिशा को आहरी 1,00,000 कोटी टंकार पूंजी आसवार संभावना उज्जवल हो। 18,000 खाली सरकारी पदवी इतिमध्ये आम पूरण कर। सबुठार बड़ कथा हूँ आम सरकार एक संवेदनशील सरकार भाव नियमित भाव साधारण लोकंर दुख सुख शुणा सहित तार समाधान करने आगे आसीचु, आईपाई आज आमको लोकंर सरकार बोली लोक कहते। मु शेषरे
माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारत को एक 2047 मसीहा सुधा विकसित देश गठन करिवार जो संकल्प रखिछंती सेति पाई आमे 2036 मसीहा जते बेले ओडिसा प्रदेश रो गठन रो 100 वर्ष पूरण हब सेते बेले समृद्ध ओडिसा गठन करिकि नुवा ओडिसा गठन करिकि आमे जहा मोदी जी पूर्वोदय रो कथा कहिछंती एवं विकास रो रेल रे भारत प्रथम बगी हब ग्रोथ इंजिन रो तारा रे ओडिसा तार विकास पथरे आगो को बहिब आउ सेथिपाई मु निश्चित भाव रे आह्वान रखिबी जे आगामी दिन रे मोदी जी नेतृत्व रे ओडिसा रे डबल इंजिन रो सरकार एवं ओडिसा रे 4.5 कोटी जनता के विश्वास भरोसा उपरे निश्चित भाव रे मोदी जी भरोसा अतुट रही रहिबो मध्य निश्चित भाव रे ओडिसा आगामी दिन रे समृद्ध ओडिसा हब नुवा ओडिसा गठन करिबा करिबो आ सेति पाई मोदी जी आशीर्वाद निश्चित भाव रे आम पाखरे अछि। मु पुणी थरे जगन्नाथक भूमि रे आपण को सादर स्वागत करूछि। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।